नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार डेरे के बारे में सुना होगा आपने सुर्खियों में, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में जानने की, तो सिर्फ वही बता सकता है जो डेरा के अंदर जाता है या जो उस जगह पे सालों से जाता है। जुड़ते हैं ऐसे लोगों के साथ जो डेरा सालों सालों से संबंध रखते हैं डेरा से, और लगातार जाते हैं समाज भलाई के कार्य या जो भी किसी रूप में भी डेरा सच्चा सौदा लगातार जाते रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? वीना इंसान। मैम डेरे से कब से जुड़े हो? बचपन से जुड़ी हुई, बहुत छोटी थी मैं जब यहाँ डेरे से आई। क्या करते हो मैम? मैं सोशल वर्कर हूँ जी। मैम आप एक सोशल वर्कर हैं, कैसा माहौल देखा आपने डेरे के अंदर? डेरे का माहौल तो बहुत अच्छा, हमने तो कभी ऐसा कुछ गलत सुना ही नहीं जो टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है। सब बेबुनियाद झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने तो बचपन से जुड़े आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ स्कूल में पढ़े हैं, हम भी बचपन से मायके वाले ससुराल वाले सब बचपन से यहाँ आ रहे हैं। हमने तो कुछ ऐसा कभी झूठा देखा नहीं जो ये चैनलों पे दिखा रहे हैं। सब बेबुनियाद झूठे आरोप है जो गुरुजी पर लगाए जा रहे हैं। मैम जनता का सवाल ये है कि आखिर आरोप गुरुजी पे ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्या ये इनको, ये राजनीति है सब, ये इनको कुछ पैसा दिखता होगा, चढ़ाया होगा पैसा इन्होंने, ऐसा है। यहाँ तो है कुछ भी नहीं, इतनी साथ संगत सारी जुड़ी है, किसी ने नहीं यहाँ कुछ देखा। ये टीवी चैनल वाले ही क्यों बोलते हैं, जो और लोग आते हैं वो क्यों नहीं बोलते फिर? क्योंकि इनको ये पैसा दिखता है, जो पैसा इनको ज़्यादा दे देता है उसके बारे में किसी के बारे भी आप गलत बुलवा सकते हैं पैसा दे के, वैसे ही ये चैनल वाले बोलते हैं। मैम आप डेरा सच्चा सौदा जाते हैं, एक महिला है, तो कैसा माहौल देखा आपने डेरा के अंदर महिलाओं के लिए? बिल्कुल सुरक्षित माहौल है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरे हम जैसे मैं बचपन से आ रही हूँ, ऐसे मेरे बच्चे भी तो बचपन से आ रहे हैं, हमने तो कुछ ऐसा नहीं देखा। यहाँ कर सेवा भी करते हैं दरबार में, स्कूल में मेरी बेटी भी बेटा भी यहीं पढ़ कर गए हैं। अगर कोई ऐसी बात होती कुछ तो बताते ही हमें, ऐसी कोई बात नहीं है, सुरक्षित है बच्चे यहाँ, घर से भी ज़्यादा सेफ है यहाँ तो बच्चे। मैम गुरुजी ने समाज के लिए कुछ किया है क्या? गुरुजी ने समाज के लिए बहुत मानतव लायक के कार्य किए, जैसे यही लगा लो कि वैश्यावृत्ति, गुरुजी ने वैश्या को छुड़ाकर अपनी बेटियां बनाकर उनकी शादी इलाज करवाई है, शादियां करवाई है, विधवा विवाह कराया, लोगों को मकान बना कर दिया, गरीब लड़कियों की शादियां की हैं। कौन से कार्य नहीं किए गुरुजी ने, तो साहब बहुत सारे कार्य किए हैं, क्या गिनवाऊँ मैं तो गिनवा भी नहीं सकती इतने कार्य किए हैं गुरुजी ने। मैम समाज में आज गुरुजी नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? बहुत बुरा असर हो रहा है। देखो गुरुजी यहाँ थे तो नामदान देते थे, संगत आती थी बाहर से उनको नामदान, नशे छुड़वाया करते थे इतने दिन, अब नहीं है गुरुजी, तो लोग नशे में फंसे पड़े हैं। यहाँ होते तो गुरुजी उनको सीधे रास्ते लाते, नामदान दे के सीधे रास्ते पर लगाते, नशे छोड़े जाते, अब नशे में दुनिया फंसी पड़ी है, ये सबको ही पता है कितने नशे हैं संसार में। मैम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स को जानते हो? जी। कैसी फोर्स है? ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स गुरुजी ने बनाई थी। जो कोई भी आपदा आए, जैसे संसार में कोई भी आपदा आती है अपने देश में, यहाँ आगजनी बाढ़ कुछ भी हो जाए, तो ये जो ग्रीनेस की वेलफेयर फोर्स है ये आगे जाकर ये सारे कार्य करती है, उनकी संभाल करती है, उनको बचाती है, आग लग जाए तो आग से बचाती है। ये तैयार है, हम खुद भी इस ग्रीनेस की ड्रेस ले रखी है, हमने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, हमारे बच्चों ने भी ले रखी है। ऐसे कार्य के लिए हम हमेशा ही तैयार रहते हैं, जैसे हमें दरबार से मैसेज आता है यहाँ आग लग गई है या कुछ हो गया, तो ये हम वहाँ पहुँच जाते हैं। मैम आप कहते हो कि आप लोग मतलब ऐसे करके पहुंच जाते हो कहीं भी आपदा आती है, तो किसी तरीके की तनख्वाह वगैरह नहीं दी जाती? ना जी ना, कुछ नहीं, कोई तनख्वाह नहीं है, बस गुरुजी ने, हम गुरुजी से प्रेरणा से ये अच्छे कामों के लिए गुरुजी ने हमें मतलब बताया हुआ है, उनकी प्रेरणा से हम ये अच्छे कार्य करते हैं सारे मानता भलाई के कार्य। मैम आदिवासियों के लिए भी क्या गुरुजी ने कुछ किया? बहुत कुछ किया है गुरुजी, आदिवासी का तो सबको ही पता है वो क्या मीट मांस मच्छियाँ सब कुछ खाते थे, लोगों को मारते थे। गुरुजी ने वहाँ जाकर वहाँ उनको काम करना सिखाया है, उनको अपना करके खाना सिखाया, और यहाँ ला के वो जैसे पहले शादी होती थी उनकी, मतलब बच्चे पहले हो जाते थे, शादियाँ बाद में होती थी, ऐसे गुरुजी ने वहाँ उनको जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं ऐसे उनको जिंदगी जीना सिखाया है। मैम समाज में आज गुरुजी नहीं है तो क्या? समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये है आज गुरुजी होते तो ये नशे वगैरह छूट जाते, लोग इधर आते, अब गुरुजी यहाँ नहीं है तो कोई नशे नहीं, सब नशे में फंसे पड़े हैं, कोई इधर लेके नहीं आ रहा। जैसे गुरुजी होते तो सत्संग सुनते, संगत प्रभावित होती, नामदान देते, नशे छुड़वाए जाते, पर गुरुजी नहीं है, समाज में गुरुजी की आज बहुत ज़रूरत है।
मैम, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जैसे आप लोग इतनी आपदा में कार्य करते थे और जाते हो ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स, मगर आप लोगों के बारे में मीडिया में काफ़ी कुछ खबरें दिखाई गई, देखा होगा आपने किस तरीके की खबरें ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के बारे में चलाई गई, तो क्या अपील करना चाहोगे ऐसी समाज सेवी संस्था या फोर्स के खिलाफ दिखाना, यानी कि एक तरीके का आपको समाज सेवा से रोकना, तो इन चैनलों को बंद करवाना चाहिए या कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि आपको बिना सबूत गवाह अपने चैनलों पर कोई न्यूज़ ना दिखाए? ये मीडिया वाले जो बोलते हैं ना, ये सब गलत बोलते हैं। उनको दरबार में आना चाहिए, डेरे में, फिर देखना चाहिए भी यहाँ क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर गलत हो रहा है तो बोलो, अगर गलत नहीं हो रहा, ये झूठे चैनलों को बंद कर, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ झूठा दिखा रहे हैं। हम बचपन से आ रहे हैं, वो आए भी नहीं दरबार में, फिर भी ऐसे बोलते हैं। जब हम आ रहे हैं, हमसे पूछे आके, हमने तो कुछ ऐसा नहीं देखा या दरबार में, जो आते नहीं भाई, ऐसे किसी ने बोल दिया वहीं बैठे बोल रहे हैं। एक बार आए दरबार में देखे, फिर उनको क्या सच है क्या झूठ है फिर बोलना चाहिए उनको। सरकार से क्या अपील करो? सरकार से यही अपील करूंगी भी, गुरुजी पर जितने भी आरोप लगे हुए हैं सब बेबुनियाद झूठे आरोप हैं। हमारे गुरुजी के बाइज्जत रिहा करके दरबार में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा, एक सोशल वर्कर जिनका ये कहना है कि वो डेरे से जुड़ी हैं ताकि ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स जैसी जो गुरुजी ने फोर्स बनाई है, जो सरहद पे ना कार्य करके जो विपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, वहाँ जाती है, मगर आखिर मीडिया में क्यों दिखाया गया इनके खिलाफ? क्या लोग नहीं चाहते कि डेरा सच्चा सौदा की ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स लोगों की मदद कर सके ऐसी आगजनी, भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाओं में, जहाँ पर शायद लोग जाते हैं अपनी जान की परवाह करते हैं और उसके लिए तनख्वाह भी लेते हैं, मगर ये लोग किसी तरीके की तनख्वाह नहीं देते, फिर आखिर क्यों दिखाया गया इनके बारे में? जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। क्या ये एक तरीके का देशद्रोह का कार्य नहीं कि जो संस्था है उसको समाज सेवा कार्य को ना दिखा के उस संस्था के उसके खिलाफ दिखाना? जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा।